गाजर का हलवा तो हर किसी को पसंद होता है, तो मैंने सोचा सीजन के जाते जाते एक बार इस हलवे को क्यों ना बनाया जाए, वो भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसे बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई में घी लेना है। यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच घी ले रही हूँ। घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें गाजर डालेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर लिया है और इसे बारीक ग्रेटर में ग्रेट किया है। अगर आपको अच्छा हलवा खाना है तो गाजर आपकी जितनी बारीक घिसी होगी, गाजर के लच्छे बहुत ही अच्छे बन के आएंगे। मैं आपको लास्ट में वो दिखाऊंगी कि अगर इस तरीके से आप गाजर घिसते हैं तो आपका हलवा कैसा बनेगा। बस इसे हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गाजर का कलर जब तक ऑरेंज ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। अभी देखिए गाजर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और गाजर का पानी कुछ हद तक सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैं 1/2 किलो फुल फैट मिल्क ले रही हूँ, जिसे मैंने एक बार गर्म कर लिया है। कुछ लोग तो मावा डाल के ही केवल बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप दूध में गाजर को पकाते हैं तो आपका हलवा काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इसे पकाने के लिए आप हाई फ्लेम का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि दूध जल्दी जल्दी जल तो जाता है लेकिन जो गाजर के अंदर फ्लेवर आना चाहिए दूध का वो नहीं आ पाता। तो इस तरीके से हलवा बनाने में थोड़ी मेहनत तो है और साथ में थोड़ा टाइम भी जाता है, लेकिन फाइनल हलवा बनने के बाद जो इसका टेस्ट आएगा वो बाकी किसी भी तरीके से अगर आप हलवा बनाएं तो वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया तो आप हर बार इसी तरीके से हलवा बनाना पसंद करेंगे। बस इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि गाजर नीचे तली में चिपके ना। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हलवा बनाते हैं तो आपका परफेक्ट हलवा बनेगा। और ये देखिए अभी पलटे पर गाजर को ऐसे लेने से पानी निकल रहा है, यानी हमारी गाजर पूरी तरीके से पकी नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम इसे एक बार फिर से चला कर देख लेंगे। यहाँ देखिए तली में बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई दे रहा और गाजर भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। बस अब इसे थोड़ा सा मैश करेंगे और पलटे में उठाकर इस तरह से एक बार चेक कर लेंगे। ये एकदम सही टाइम है चीनी ऐड करने का। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन चीनी कब आपको हलवा में डालना है उसका परफेक्ट टाइम याद होना चाहिए। जब गाजर अच्छी तरीके से पक जाए तभी आप चीनी को डालें, क्योंकि चीनी जैसे ही पानी छोड़ना शुरू करती है फिर गाजर बराबर पकता नहीं है। चीनी ने अभी पानी छोड़ दिया है और 5 मिनट के बाद जैसे ही हलवे का पानी सूख जाएगा फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम के करीब मावा और ड्राई फ्रूट। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसे डालें और फिर इसे मिक्स कर लें। बस अब हमारा हलवा बनकर लगभग रेडी हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे चलाते हुए भून लेंगे, फिर हमारा हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अभी आप सर्व करने के बाद देख ही सकते हैं कि एक एक लच्छे जो हैं गाजर के वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप घिसकर हलवा बनाते हैं तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर इस सीज़न में आप इस हलवे को बनाते हैं तो आप इसे व्रत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।